नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स इंडिया में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास आठवीं का गणित का जो तीसरा चैप्टर 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को हमें क्या करना है, 3.3 में है क्या, घनमूल ज्ञात करना है। संख्याएं जो दी गई हैं उसको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। उसके मतलब वह जो संख्या लिखा गया है वह किस संख्या का घन है ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो उससे वहां जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्या करते हैं, ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला जो है आपको बोला गया है धनात्मक संख्या का घनमूल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि जो संख्या अगर आपको प्रश्न में धन में रहेगी तो उसका घनमूल भी किस में आएगा, धन में ही आएगा। ये चीज को याद रखना है। अगर वह संख्या ऋणात्मक है, मतलब जिस संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात करने जा रहे हैं अगर वह ऋणात्मक है तो उसका घनमूल भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और घनमूल को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको करनी के अंदर कहीं भी नंबर 3 नहीं लिखना। ये देखो ऐसा करनी बना, इसको क्या बोलते हैं, करनी। अब ये करनी के अंदर यहाँ पे जो है वो क्या लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है। कभी कभी आपने देखो कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा रहता है, कोई नंबर नहीं लिखा रहता है यानी कि वो वर्गमूल होता है। वर्गमूल के लिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा रहता है, लेकिन जब उससे ज्यादा कोई मूल रहता है तो यहाँ नंबर लिखा रहता है। जैसे यहाँ तीसरा मूल निकाले जा रहा है तो 3 लिखा है, चौथा मूल निकाले जाओगे तो यहाँ पे 4 लिखा जाता है, पांचवा निकाले जाओगे तो यहाँ पे 5 लिखा रहता है, और अंदर कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 8000 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। किसका, 8000 का। तो चलिए कैसे करोगे, सबसे पहले देखो आपको अभाज्य गुणनखंड मैंने छोटी क्लासों में सिखाया है, अभाज्य गुणनखंड या आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसका क्या हो, विभाजक सिर्फ कितने हो, 2 हो, एक तो एक से पारे में आता हो और वह उसी संख्या से विभाजित हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कई तरीके हैं, कोई अभाज्य गुणनखंड करता है, कोई इसके सिर्फ क्या करते हैं, घन कर देते हैं, खंड कर देते हैं, तो आसानी से घनमूल प्राप्त हो जाता है। तो आपकी किताब में भी कई पद्धति से कराया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ही लेंगे। अगर आपको घन याद है तो आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। चलिए 8000 का पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ में घन इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, अब इसके लिए कसौटी याद कीजिए, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जरा आप देखिए बड़े नंबर में बताइए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 32, 33, 37, इसके बाद ऐसे सो ऑन आपको नंबर है, इतने बड़े नंबर का आपको पूछा नहीं जाएगा। तो इस फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या यहाँ पे देते हैं। तो आपने पढ़ा है कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पे शून्य होता है उसमें 2 का भाग ज्यादा है, यानी कि अभाज्य संख्या 2 से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देना मतलब इसका आधा करना, तो 8000 का आधा कितना हो जाएगा, 4000। या आप भाग देके देख सकते हैं, 2 चौक 8 और 3 0। अब फिर से देखो आखिर में 0 यानी कि 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, या आप बोल सकते हैं 4000 का आधा कितना हुआ, 2000। फिर 2000 में भी आखिर में देखो 0 है, 2 मतलब 2 से भाग जाएगा, 2000 का आधा कितना हो गया, 1000। 1000 के भी आखिर में 0 यानी 2 से भाग जाएगा, तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। 500 में भी 2 से भाग जाएगा तो 500 का आधा कितना होता है, 250। भाग देखे देखो 2 दूनी 4, 1 बचा था, 2 पंचे 10 और ये 0। भाग देने आता होगा आखिर में पहुंच गया तो। अब फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि आखिर में 0 यानी कि 2 से भाग जाएगा, तो 2 1 कर 2, 2 2 4, 2 5 10। अब आपको 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी इकाई में 5 है और 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 की कसौटी क्या है, अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाग जाता है। तो हम अंक जोड़ेंगे, 5, 2, 7, 1, 8, 8 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं, यानी कि इस पर हमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 की कसौटी क्या है, आखिरी में अगर 0 इकाई के स्थान पे अगर 0 रहेगा या 5 रहेगा तो यानी कि उसमें 5 का भाग ज्यादा, तो आखिरी में 5 आ रहा है यानी कि इसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 दुनी 10 बचेगा 2, 5 बचे 25, फिर से 25 आप ध्यान दें 5 के पहाड़े में आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका गुणनखंड कर दिया। तो हमने देखा कि इसकी एक गुणनखंड, अब इसी चीज को यहां पर देखो कैसे लिखेंगे,
तो पहले हमें इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, करनी के अंदर टी 8000 अंदर, देखो घनमूल इस प्रकार से लिखा जाता है, अब बराबर करनी के अंदर, अब ये सारे नंबर्स आप लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है टोटल, 6 बार है, और 5 कितनी बार है, 3 बार, ऐसा जोड़ी में एक साथ लिखेंगे, जितने भी जो नंबर है वो इसको एक साथ अरेंज करेंगे। अब यहां देखिए, अगर आपको घनमूल बोला है तो घनमूल में क्या करते हो आप, जितना यहां मूल लिखा रहेगा उतनी की जोड़ी बनाने का, अगर 2 रहता तो 2-2 की जोड़ी बनाते हैं, लेकिन 3 रहेगा तो 3-3 की जोड़ी बनाओगे, देखो 1-2 की जोड़ी बन गई, फिर ये दूसरे 2 की भी जोड़ी बन रही है और तीसरे की भी जोड़ी बन गई, मतलब सबकी जोड़ी बन गई, यानी कि अब करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, तो उसमें से एक एक नंबर ही उतारने का, जैसे एक जोड़ी में से 1-2 उतार दिया गुड़े, ये जोड़ी में से 1-2 उतार दिया, ये जोड़ी में से 1-5 उतार दिया, अब इनका ही क्या कर देना हमें गुड़ा, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, और ये धनात्मक संख्या था इसलिए इसका उत्तर भी क्या करोगे, धनात्मक लिखोगे, अगर ऋणात्मक रहेगा तो पहले धनात्मक निकाल देने का, इसके बाद बता देने का, ये संख्या चूंकि ऋणात्मक है इसलिए इसका घनमूल भी क्या है, ऋणात्मक है। तो यहां हमारा आंसर आ गया कि 8000 का जो घनमूल है वो कितना है, 20। क्लियर, यानी कि 20 का घन अगर करते हो, 20 को 3 बार गुणा करते हो, 20 × 20 × 20, तो उत्तर कितना आता है, 8000 आता है। ओके, ये पहला सवाल हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे, 5वां और 6वां दो सवाल करेंगे, बच जाएंगे कितने, 3 सवाल, यानी कि मैं कर दे रहा हूँ, 3 सवाल आपके लिए रह जाएगा, उसे आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको 3 सवाल अगर कराने के बाद नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है, तो इसके लिए आपको फिर से बार बार वीडियो को देखना है और समझना है। ओके, और भाग और गुणा थोड़ा तेज कर लेंगे तो आपको इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ दिक्कत कहाँ होगी, आपको भाग करने में ही होगी, अगर आपको भाग अच्छे से आता है तो आपका उत्तर भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी एक धनात्मक संख्या का देखा, अब एक ऋणात्मक संख्या का भी देख लेते हैं, कि ऋणात्मक संख्या 2744 यानी कि 2744 ये किसका घन है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल सबसे पहले 2744 का गुणनखंड कर लेते हैं, आप इसे करके दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, रफली कहीं भी कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखो आखिरी में 4 है, यानी कि 2 का भाग कर 2 से भाग जाएगा, 2 × 1 = 2, फिर यहाँ पे 7 बचा, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर से आखिरी में 2 है यानी कि 2 का भाग जाएगा, 2 से कब भाग जाता है, जब 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर जब रहेंगे इकाई के स्थान पे यहां पर, तो हमेशा क्या होगा, 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 6 = 12, 1 बचा, 2 × 8 = 16, फिर आपको 12 हो गया, 2 × 6 = 12। ओके, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, अब आखिरी में देखो 3 आ गया, इसका मतलब है कि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर 3 की कसौटी क्या है, इन अंकों को जोड़ो, तो 4 × 3 = 7, 3 × 10, 10 × 3 = 12, मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 से देखेंगे तो आखिरी में 0, 5 होना चाहिए, 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं, मतलब 5 से भाग नहीं जाएगा, 7 की कोई कसौटी नहीं, 7 से भाग चेक करना पड़ता है, तो 7 से चेक करो, 7 × 4 = 28 जाता है इसका मतलब, क्योंकि बचेगा कितना, 6 = 63, तो 7 × 4 = 28, 7 × 63, अब 49 आप जानते हैं पहाड़ा किस में आता है, 7 के पहाड़े में, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो मैंने बताया था माइनस वाले में क्या करोगे, पहले प्लस के रूप में मान करके उसका आंसर निकाल लो, इसके बाद आंसर में बता दोगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए इसका उत्तर भी किस में आएगा, ऋण में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घनमूल निकालेंगे 2744 का, तो इसको मैंने क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7, अब मैंने आपको बताया था जोड़ी बनाना, 3 यहाँ लिखा मतलब 3-3 की जोड़ी बनेगी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी बन गई, 1 × 2 × 7 तो कितना आ गया, 14। अब आप क्या बताओगे,
कि धनात्मक 2744 का घनमूल कितना होगा 14। तो यहां पे कारण दोगे, चूंकि ऋणात्मक संख्या का घनमूल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए -2744 का घनमूल -14 है। क्लियर? तो ये हमारा इस तरह से माइनस वाले में क्या करना है आपको बता रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 32768, फटाफट इसका गुणनखंड करते हैं। आखिरी में 8 है यानी 2 के भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। भाग दे लीजिएगा, ये बार मैं भाग दे के दिखा दूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, बचेगा कितना 1, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4। फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 × 4 = 8। अब देखिए यहाँ पे 0, पहले 1 उतारोगे तो छोटा पड़ेगा तो 0 आएगा। फिर ये देखिए यहाँ पर मैं भाग देके दिखाता हूँ, 2 × 8 जब ऐसा करोगे तो यहाँ पे 0 और 1 उतारोगे तो 1 छोटा, ऐसा नहीं कि 19 डायरेक्ट उठा सकते हो, नहीं, पहले आपको क्या करना है, यहाँ 0 बार जाएगा फिर 9 उतारते हैं। ओके, तो 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 × 2 = 4, 0 × 2 = 8, 2 × 8 = 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि आखिरी में देखो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से भाग जाता रहेगा, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 2 = 4, 2 × 8, फिर 2 से जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फटाफट उसका 2 से भाग देना, मतलब आधा करते जाने का, आधा करने का आधा ही होगा, भाग देने की जरूरत भी नहीं है, आधा करते जाओ। 128 में 2 से भाग दोगे तो कितना जाएगा 64, 64 में 2 से भाग दोगे तो 32, 32 में 2 से भाग दोगे तो 16, 16 में 2 से भाग दोगे तो 8, 8 में 2 से भाग दोगे तो 4, 4 में 2 से भाग दोगे तो 2। इस तरह से आपका पूरा गुणनखंड 2 से सब में भाग जा रहा है। यहां आप लिख देंगे घनमूल 32768 बराबर। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो 512 आ गए, जैसे 512 किसका घन है 8 का, तो इसके बाद क्या लिख देंगे 8 × 8 × 8, ऐसा भी लिख सकते हैं जिसकी जैसी इच्छा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही तरीके से लिखेंगे, सब नंबर वैसे लिख देंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कितनी बार 2 है देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार है, 15 बार 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से आगे लिखेंगे, तीन तीन की जोड़ी बनाना, फिर से 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 5 जोड़ी बन रही है। 5 2 को क्या करोगे, यहाँ पे 5 बार 2 लिख लोगे। अब इसका गुणा कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ऐसा नहीं कि 2 × 5 = 10, ऐसा नहीं, गुणा करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ये आपका आंसर आ गया क्या, 32768 का घनमूल 32। ओके, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, चलिए लिख दीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बटे में लिखा गया है, उसका घनमूल ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग सिंगल सिंगल नंबर का हम लोग घनमूल ज्ञात करना सीखे, अब बटे वाला करना है। उसमें भी दिक्कत नहीं है, आंसर गुणनखंड करने का, हर का गुणनखंड करने का, और अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट देने का, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक बारी बारी से।
सबसे पहले बोला है 27 का गुणनखंड करना। 27 का गुणनखंड आपको आसानी से आता होगा, देखिए 27 का गुणनखंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 3 के पहाड़े में आएगा 3 9 27, फिर 3 से भाग दोगे 3 3 9, यानी कि 27 का गुणनखंड क्या होता है 3 × 3 × 3 बटे में 125 है। 125 का अगर गुणनखंड करोगे तो 5 है आखिरी में, 5 से भाग जाएगा, 5 × 10 5 × 25 भाग देने आता ही होगा आपको आसानी से। अब फिर से 5 से भाग जाएगा तो 5 × 25 फिर 5 × 5, तो इस तरह से 5 से भाग देने पर आपको ये 5 का आंसर 125 में भाग गुणनखंड करने पर आया। यहां लिख दोगे 5 × 5 × 5। अब कोई नंबर देखिए ऊपर नीचे कट रहा है या नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट जोड़ी बनाइए, 1 3 की जोड़ी बन रही है 1 5 की जोड़ी बन रही है, तो 3 की जोड़ी 1 बन रही है तो ऊपर 3 आ जाएगा, बटे में क्या जाएगा 5। ये आंसर हो गया आपका कि 3 × 27 बटे 125 का जो घनमूल है वो कितना होगा 3/5 होगा। क्लियर। अब ऐसे दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। दूसरे सवाल में भी आपको खंडी करना है, तो 3 करने के अंदर 16/54 गुणनखंड करना आता ही होगा आपको, नहीं आता तो फिर से देख लेते हैं एक बार। 16 का गुणनखंड करना, 16 मतलब 2 का भाग जाएगा, आप 2 का पहाड़ा जानते होंगे या आखिरी में 6 है क्या जानते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 × 16 फिर 2 से भाग देंगे 2 × 4 8, फिर 2 से भाग देंगे 2 × 2 = 4, फिर भाग देने फिर गुणनखंड करने पे 4 × 2 आ रहा है। ओके okay? अब इसके बाद क्या करेंगे, 54 का गुणनखंड करेंगे। फिर से देखो आखिरी में 4 है यानी कि 2 का भाग जाएगा, 2 से भाग देने पे 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है, फिर आपने गुणनखंड किया था देखो 27 का, 3 × 3 × 3 3 9 27 3 3 9, इस तरह से गुणनखंड हो गया। अब यहां पे लिख लीजिए 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब आप देख रहे हैं 1 2 ऊपर भी और 1 2 नीचे भी है, तो 1 2 से 2 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जोड़ी में सिर्फ 1 2 ऊपर बच रहा है और 1 जोड़ी 3 नीचे बच रही है, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा बटे में 3, जिस तरह से आपका आंसर आ गया कि 3 × 16/54 का जो घनमूल है वो कितना है 2/3। ओके चलिए, तो एकदम सिंपल सा 729 का घनमूल दिया है 9 होता है, तो आपको बोला 0.000729 का घनमूल कितना होगा, तो आप सिंपल सी बात है 729 की बजाय 9 आ गया, तो दशमलव वाले अंकों में देखिएगा हमेशा, अगर आप घनमूल याद कर रहे हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, अगर 3 अंक रहेगा दशमलव का 3 अंक रहेगा तो 0 पॉइंट लिखने का, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक ही नंबर लिखने का, अगर 6 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा, 9 नंबर है तो कितने 0 बढ़ जाएंगे 2 0 बढ़ जाएंगे, तो चलिए कितना देखते हैं यहाँ पे 0 0 0 कितने नंबर है 3 0, मतलब टोटल दशमलव का 6 अंक है, तो 6 अंक है तो आप जानते हैं 729 के लिए तो 9 हो गया, यहां आंसर आ जाएगा 0.09, क्योंकि दशमलव बाद कितने अंक है 6 अंक, यानी दशमलव बाद कितने अंक रहेंगे आप 2 अंक रहेंगे, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 अंकों में क्या किया उसको रूपांतरित कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट हमारा 3rd चैप्टर हो गया है, और इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके नोट डाउन।